राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज से क्वेश्चन आई बहुत ही परफेक्ट डीपी का क्वेश्चन, अगर कोई अच्छे से करता है तो, एंड मैट्रिक्स डीपी का भी बहुत आ जाता है कि मतलब मैट्रिक्स में डीपी लगाना है, ऐसा नहीं कि डीपी का मैट्रिक्स बनाना है, वो तो बनेगा ही, मैट्रिक्स में डीपी लगाना है एंड कहीं ना कहीं 3D DP का भी कंसेप्ट आता ही है। चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं डिस्कस करते हैं सारी फॉर्मेलिटीज। शुभ, हाउ वॉज द डे टूडे, कैसा गया आपका आज? अच्छा था, काफी टफ क्वेश्चन था। राइट, हालांकि शिव ब्रूट फोर्स वगैरह तो आई भी आप सोच पाए होंगे अच्छे से, राइट? यस, ब्रूट फोर्स तो सोच टफ नहीं था सोचना। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। गाइस क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इनिशियली एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, मान लो आपको एस्पेस मैट्रिक्स दे दिया, कितना भी बड़ा है, आपको इनिशियल मैट्रिक्स दे दिया है एंड एक वैल्यू दे दिया शिफ्ट के, आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग kth मैनहट्टन डिस्टेंस निकालना है, मतलब इससे कॉरस्पॉन्डिंग kth मैनहट्टन डिस्टेंस है जितने एलिमेंट है उसका मैक्सिमम निकालना है। मतलब क्या समझाता हूँ, देखिए मान लो कि आप अभी लेट्स से दिस इज अ मैट्रिक्स, कैसे देते हैं ये मैट्रिक्स, मान लो आपका ये आपका एलिमेंट है मान लो इधर, और k आपको 2 दे दिया, ठीक है। सो मैनहट्टन डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि आप जहाँ हो और जिस सेल पे आपको जाना है उन लोगों का एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस, लाइक अगर ये ए ये से आई जे है और आप हो ए कॉमा बी पे, तो ये हो जाएगा आई माइनस ए प्लस जे माइनस बी, जो बेसिक आता है ये के से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसे जितने भी सेल है उसमें जो वैल्यू है उन सबका मैक्सिमम वैल्यू इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग आंसर होगा। मतलब क्या, देखिए जैसे आपको दिया हुआ है 1 2 4 4 5 8, 1 2 4 4 5 8 और k दे दिया 2, ठीक है शिव। अगर मैं 1 का बात करूँ तो इधर का आंसर क्या होगा, इधर का आंसर होगा मैक्सिमम ऑफ 1, शिव क्या 2 का मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होगा इस सेल से, इस सेल से 2 का डिस्टेंस कितना होगा, इस अगर 0.0 इंडेक्स है 0.1 है 1 होगा, तो ये आप ये सब देखिए आपके रेंज में k 2 है ना, तो अगेन 1.2 अगेन शिव इसका डिस्टेंस क्या होगा इस सेल का 2, राइट? शुभ इन पांचों का मैक्सिमम आईबी 5, राइट? दिस कॉरस्पॉन्डिंग सेल में आंसर में आपका आ जाएगा 5, ठीक है। देखिए शुभ आपका आउटपुट में देखिए यहाँ 5 है ना, ऐसे आपको शुभ हर एक सेल के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकालना है एंड उसको आपको स्टोर करना है, सिंपल, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑल अबाउट एंड या इसको आपको अच्छे से ऑप्टिमाइज वे में करना है। शुभ आप बताइए क्या ब्रूट फोर्स सर्च पाया? करंट ब्रूट फोर्स तो उतना टफ नहीं लगा मुझे सोचना कि मैं हर एक सेल पे जा सकता हूँ और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हर एक मतलब 0.0 से n-1, n-1 सेल तक जाऊंगा और जिसका जिसका मैनहट्टन डिस्टेंस उसके रेंज में रहेगा, मतलब जो भी k है उसके रेंज में रहेगा, तो उससे अपडेट कर सकते हैं कि हाँ अभी तक का मैक्सिमम क्या आंसर है आपका। गाय शिव काफी अच्छा, पर गाय ये सोचना टफ रहता है जो शिव बता दिया कि शिव बोला कि वो एक आंसर एरे बना देगा जो फाइनल होगा, ठीक है, एंड वो बोलेगा पर इस सेल पे गया। अब ये सेल से आप किस से एक्सेस कर सकते हो, मतलब ऐसे 1 इस सेल का इंडेक्स है 0.0, अच्छा तो ये सेल खुद को तो एक्सेस कर ही सकता है, मतलब 0.0, तो अच्छा तो ये सर जब अपना मैक्सिमम निकालेगा, ये सर जब अपना मैक्सिमम निकालेगा तो इसको एक्सेस करेगा, बेसिकली शिव उल्टा सोच रहा है, तो हाँ इधर का आंसर वो कम से कम 1 तो होगा ही होगा, पक्की बात है। शिव ये सर के पास गया, क्या ये सर इसको एक्सेस कर सकता है? हाँ कर सकता है, तो इसका आंसर कम से कम 1 तो होगा ही। वैसे जो जो सर 1 को एक्सेस कर सकते थे अपने पास, जैसे 1 1 ये भी एक्सेस कर सकता था, 1 ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये एक्सेस नहीं कर सकता तो इसको नहीं करेगा अपडेट। शिव 2 पर गया, अब अगेन स्टार्टिंग से ट्रैवल करेगा सारे एक्सेस कर सकते हैं, राइट?
वैसे हर बार जाता रहेगा शिव, एंड हर एक सेल जो जो सक्सेसिव हो जाए उसका आंसर को अपडेट करता रहेगा, राइट? यस। एंड एट द एंड जब सारा पे शिव अपडेटेशन कर चुके होंगे तो आपका बेस्ट आंसर हर एक में स्टोर हो ही जाएगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है? तो आप ऐसे काफी अच्छा अप्रोच है रिवर्स इंजीनियरिंग का शिव, बट सही आंसर आएगा इसमें। एंड शिव इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आप जो बताए? इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा लगभग ऑर्डर n टू द पावर 4 हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, बिकॉज इसमें क्या कर रहा है शिव, इशू आपका हर केस में n4 ही रहेगा, बिकॉज आप क्या कर रहे हो ना, आप इस पे गए मान लो, आप इससे कॉरस्पॉन्डिंग आप पूरा मैट्रिक्स में ट्रेवल कर रहे हो, देख रहे हो क्या ये एक्सेसिबल है, क्या ये एक्सेसिबल है, क्या ये एक्सेसिबल है, पूरा मैट्रिक्स में ट्रेवल कर रहे हो, तो एक के कॉरस्पॉन्डिंग आप n स्क्वायर ट्रेवल कर रहे हो, राइट? पूरा मैट्रिक्स में देख रहे हो क्या ये हर एक पास जा रहे हो, एंड ऐसे आप कितने एलिमेंट है, n स्क्वायर एलिमेंट ही है, तो ऑफ n फॉर आपका ऑल केसेस में हो गया, जो कि बहुत ही महंगा है, ठीक है? क्वेश्चन में डिमांड किया था आपको ऑफ n स्क्वायर k में करनी थी, और आप तो n फोर में चले गए, तो बहुत महंगा पड़ रहा है, राइट? तो दिस बट दिस वाज वन वे ऑफ थिंकिंग, एंड इट्स सही है, बहुत इजी टू इंप्लीमेंट है, मतलब बस आपको बस लूप जैसा और कुछ नहीं करना है इसमें, है ना? तो ये तो बन जाएगा अभी। फिर दूसरा अप्रोच में आता हूँ, और क्या सोच पा रहे बताइए, जो देखते सोच पा रहे हैं सबको, आप ये तो सोच ही पाए होंगे। और करण एक तो ये कर सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके के अप के डाउन के लेफ्ट के राइट पे जा सकते हैं, और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग एक काइट जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसी स्ट्रक्चर के बीच में हम लोग को मतलब हर एक सेल का मैक्सिमम खोजना है कि उस सेल का मैक्सिमम क्या आ सकता है उस काइट स्ट्रक्चर के अंदर में। फिर इसके लिए थोड़ा लूप कंस्ट्रेंट थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, और थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये मतलब अप्रोच सही है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के स्क्वायर में हो जाना चाहिए इसका, हर एक सेल पे के स्क्वायर के सब मैट्रिक्स में जाके चेक करेंगे, और सब मैट्रिक्स थोड़ा सा टिल्टेड होगा तो काइंड ऑफ काइट टाइप दिखेगा। कैश बहुत सही रहा है, ये आपको रिलेट कर पाएंगे, बस पहले आपके माइंड में ही आता है क्वेश्चन देख के, नॉर्मल इंजीनियरिंग क्या कोई रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं क्या, क्वेश्चन यही तो था ना भाई, अगर आपको इस सेल कॉरेस्पॉन्डिंग आपका आंसर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो सेल्स के डिस्टेंस पे है आपको उसका निकालना पड़ेगा, है ना? उसको कंसिडर करना पड़ेगा ना, उनको उस सबका मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो शिव बोल रहा है थोड़ा दिमाग से वो स्ट्रक्चर बन रहा है, कैसा स्ट्रक्चर काइट जैसा क्या बन रहा है, मान लो अगर ये सही है, मान लो के आपको 2 है, ठीक है शिव, शिव आपको बताइए ये सर का डिस्टेंस क्या है, के 1 है, एक का ही गैप है ना, रो वाइज गैप है, कॉलम वाइज सेम है। अच्छा शिव इसका गैप कितना है, 2 है, रो वाइज 1 है, कॉलम वाइज 1 है, राइट? 2। इसका गैप क्या है शिव, अगेन रो वाइज 1 कॉलम वाइज 1, 2। शिव इसका गैप रो वाइज 1 कॉलम वाइज 2, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका आप एक्सेस नहीं कर सकते। ऊपर गया थोड़ा मैं, शिव इसका गैप क्या है, रो वाइज 2 है, ठीक है, कॉलम वाइज 0 है, इसका गैप शिव रो वाइज 2 कॉलम वाइज, तो ये पॉसिबल नहीं, राइट? तो बस ऊपर एक ही पॉसिबल है, इसके इसी कॉलम में आता हूँ, इसी कॉलम इसी रो में अगर आप आओगे तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, राइट? अगर नीचे जाओगे शिव तो सिमेट्री है, जो ऊपर था वही नीचे रहेगा, एक का गैप रो वाइज आ गया, कॉलम में एक एक का पॉसिबल नहीं। तो आप शिव बोल रहे हैं कि सही बोल रहा है कि आपको ये मैट्रिक्स में सर्च करना पड़ेगा, राइट? ये सब एलिमेंट में जो मैक्सिमम एलिमेंट है, इस सब में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर होगा, एंड ऐसा आपको हर सेल के लिए करना पड़ेगा। एंड बाय कॉमन सेंस आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैं इधर था तो आपका जो मैट्रिक्स बन रहा है फाइनली वर्स्ट केस आपको कैसा बनेगा, देखिए इधर से आप के ऊपर जा रहे हैं, रो वाइज 2 ऊपर जा सकते हैं, एंड नीचे वाइज 2 नीचे आ रहे हैं, राइट? तो इसका ये हो जाएगा 2k 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 2k, एंड अगर आप साइड का बात करूँ मैं तो आप के राइट जा रहे हैं एंड के लेफ्ट जा रहे हैं, तो अगेन 2k। आई नो आप ये सब एलिमेंट कंसिडर नहीं करें, बट अप्रोक्सीमेटी में बताऊँ तो ये हो जाएगा 4k2, और मान लो आप इसे कंसिडर नहीं करें तो मैं बाय 4 कर देता हूँ, आपको कहते सही के स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ k2 से कम नहीं हो रहा, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, आप हर एक एलिमेंट में जा रहे हो एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप k2 का मैट्रिक्स में सर्च करें, मेरा आंसर क्या है, तो n स्क्वायर एलिमेंट है हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग k2 ऑफ n स्क्वायर k2, है ना? जो कि अगेन महंगा है बिकॉज डिमांड n स्क्वायर k का है, बट हाँ समवट इससे मेरे को बेटर लगा बिकॉज n4 से तो बेटर है n2 k2, बट थोड़ा टफ होगा लिखना इसको, टफ होगा, बट अगर आप चाहो तो इसको इजीली लिख सकते हो कि सीधा आप इधर ही चले जाना, मतलब इधर से इधर ही सीधा चले जाओ और इधर से देखो क्या ये रेंज में है, क्या रेंज में है, क्या रेंज में, एंड मतलब आप प्रॉपर 4k2 में ट्रेवल करो, तो आप कर लिख सकते हो उसको, है ना शिव?
तब ये हो जाएगा तो कंस्ट्रेंट पे ध्यान देना पड़ेगा कि आउट ऑफ बाउंड ना चले जाओ, अगर आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग खोजोगे तो आउट ऑफ बाउंड जा सकते हो, तो ध्यान देकर अच्छे से लिखना पड़ेगा एंड वी भी हो जाएगा। ठीक है शिव, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और बेटर चाहिए, और बेटर क्या कर सकते हैं शिव बताइए। थोड़ा सा करें स्टोर वगैरह करेंगे अगर तो हो सकता है कि अच्छा जाए, पर वो किस तरीके से स्टोर करेंगे ये सब समझ में नहीं आ रहा। देखिए आप थोड़ा समझते हैं, इंडर डीपी का कंसेप्ट अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। देखिए शुभ मान लो, चलो मुझे इससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकालना है, राइट। इससे कॉरस्पॉन्डिंग कैसे आंसर निकालना है, जो kth डिस्टेंस में जितना भी एलिमेंट है उसका आपका लेना है, कंसिडर करना है ना, इससे कॉरस्पॉन्डिंग kth डिस्टेंस में कंसिडर करना है। अच्छा तो शुभ इससे कॉरस्पॉन्डिंग वन डिस्टेंस तो मैं निकाल सकता हूँ, वन डिस्टेंस कौन कौन है, ये है, ये है, ये है, ये है, राइट राइट। मैं बोलता हूँ शुभ इससे कॉरस्पॉन्डिंग, इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो k माइनस वन डिस्टेंस में होगा, इससे कॉरस्पॉन्डिंग k माइनस वन डिस्टेंस में होगा, इससे कॉरस्पॉन्डिंग k माइनस वन, इससे कॉरस्पॉन्डिंग k माइनस वन, और ये चार का मैक्सिमम जो होगा वो आपका आंसर होगा। क्या ये गलत है? नहीं सही है। मैं वही बोला कि अगर आपको a कॉमा b का, a कॉमा b से आपको kth वन डिस्टेंस निकालना है, तो मैं बोला ठीक है दैट इज नथिंग बट इसके जस्ट ऊपर वाले से a माइनस वन कॉमा b से k माइनस वन डिस्टेंस है, क्योंकि आप a डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हो और एक बच रहा है, इसके राइट वाले सेल से a प्लस सॉरी नीचे वाले सेल से k माइनस वन डिस्टेंस, और क्या राइट वाले सेल से k माइनस वन डिस्टेंस, और लेफ्ट वाले सेल से क्या शुड k माइनस वन डिस्टेंस है ना, ये तो बात हो गया। और तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंड इसमें जो होगा कॉमा, ये खुद एलिमेंट, ये खुद भी ये है, खुद भी कैंडिडेट है कॉमा इटसेल्फ, इन पांच का मैक्सिमम होगा शुभ, वो मेरा आंसर होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं, ये तो सही बात है। एंड यही चार सर क्यों है, क्योंकि वही मैं वन डिस्टेंस मैंने खुद निकाल दिया। देखो डीपी सोचने का तरीका होता है रिकर्शन, रिकर्शन में क्या होता है थोड़ा सा काम मैं खुद कराऊँ बाकी का काम आप लोग करो, तो शुभ वन डिस्टेंस निकालना तो ईजी था मुझे, वन डिस्टेंस निकालना मेरे तो ईजी था, तो मैं देखा भाई वन डिस्टेंस में यही सब पॉसिबल है, राइट, एक दो तीन चार जन पॉसिबल है, इसका मैं खुद से दे दिया एंड इसे कॉरस्पॉन्डिंग का काम बाकी आप लोग को दे दिया। अब वन डिस्टेंस अगर मैं निकाल चुका हूँ तो मुझे के डिस्टेंस चाहिए था, तो कितना बच रहा है, के माइनस वन बच रहा है, तो के माइनस वन का काम आप लोग भाई करके जाओ खुद ही, पी एम आई आपको आता है करके आप लोग काम ले आए, उसका मैं हमेशा मैक्सिमम लेकर मैंने कॉरस्पॉन्डिंग आंसर स्टोर कर दिया, यही तो बात है शुभ, बस इतना ही है। तो बस शुभ ये डी पी आपको रिलेट कर पा रहे हो भाई, ये तो हो गया भैया रिकर्शन का बात हो गया, एंड डी पी क्यों हो रहा है सिंपल बात है भाई, इधर ही दिखाता हूँ देखिए, अगर आप इसके और कॉरस्पॉन्डिंग आंसर शुरू निकालेंगे ठीक है, तो क्या बोलेंगे भाई, इसका के माइनस वन एथ के माइनस वन सॉरी इसका के माइनस वन एथ, इसका के माइनस वन नेथ के माइनस वन एथ के माइनस वन एथ, राइट, अब ये बोल रहे हो, और जब इससे कॉरस्पॉन्डिंग आप आंसर निकाल रहे हो शुभ, आप क्या बोल रहे हो इसका के माइनस वन एथ, ये तो शुभ इससे कॉरस्पॉन्डिंग कब निकाल रही थी, ये तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग कब निकाल रही थी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर आप निकाल रहे हो, चलिए कोई सेंस ही बनता, अगर आप एक बार के माइनस वन एथ निकाल चुके हो इससे तो बार बार क्यों निकालोगे, इसलिए ये हो गया क्या आपका कंसेप्ट डिग्री, सेम सेल का आप आंसर दो बार यूज करें, दो बार नहीं मल्टीपल बार यूज करोगे, इधर भी यूज करोगे सर अगेन के माइनस वन में, इधर भी फ्री यूज करोगे, तो सेम चीज का मल्टीपल बार यूज करो, दिस इज नथिंग बट डीपी। तो शुभ डीपी तो आप समझ ही गए, इधर से ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन मतलब डीपी का पेस्ट भरा हुआ है पूरा 50-60 वीडियो है, रिकर्शन का पेस्ट भरा हुआ है, फाइव पैटर्न में भरा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अपने, बट एक बस ग्रुप अगर मैं बताऊँ ब्रीफली पी एम आई तो आपको समझ में आई गया, बट अंदर में क्या हो रहा होगा इस टाइप का कुछ हो रहा होगा, मान लीजिए अब अभी सर जीरो कम जीरो पे ठीक है शुरू, आपको इधर से निकालना है लेट्स से के थ्री है, थर्ड डिस्टेंस निकालना है राइट, तो आप कॉल करेंगे क्या भाई जीरो कम वन से सेकंड डिस्टेंस राइट, क्या है और कहाँ कॉल करेंगे आप कॉल करेंगे भाई वन कम जीरो से सेकंड डिस्टेंस क्या है, और आप कहीं कॉल नहीं कर सकते बिकॉज जीरो कम जीरो से आप राइट में आ सकते नीचे ऊपर तो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता राइट, ये दो कॉल आप करेंगे एंड देन ये क्या करेगा शुरू ये अपने से कॉल करेगा फिर है ना, ये बोलेगा ठीक है जीरो कम वन पे हूँ तो ये कॉल करेगा जीरो कॉमा जीरो पे वन एंड डिस्टेंस राइट, एक्चुअल में के माइनस वन में ये कॉल करेगा और कहाँ कॉल करेगा ये जीरो कॉमा टू पे वन एंड डिस्टेंस राइट, और कहाँ कॉल करेगा शुभ ये वन कॉमा वन पे वन एंड डिस्टेंस राइट, ये तीन कॉल कर सकता है एंड अगेन ये सब क्या कॉल करेंगे शुभ ये सब अगेन कॉल करेंगे जीरो कॉमा जीरो कॉल करेगा जीरो कॉमा वन पे जीरो डिस्टेंस राइट जीरो डिस्टेंस एंड अगेन जितना कॉल पॉसिबल ये करेगा ये भी वैसी करेगा ये भी वैसी करेगा एंड शुभ जीरो डिस्टेंस क्या होता है वो सेल खुद ही होता है किसी सेल का, मान लो ये सेल है ना इसका जीरो डिस्टेंस मतलब इसका आंसर खुद का जीरो मतलब कहीं इधर से डिस्टेंस वन है
जीरो मतलब ये खुद ही है ना भाई, आई माइनस आई जी माइनस जे जीरो होता है, शुभमन हंड्रेड डिस्टेंस जीरो यही होता है, तो जीरो डिस्टेंस सिर्फ जीरो का वन का क्या होगा, ये खुद ही होगा। तो शुभ ये हो गया आपका बेस केस, जब के जीरो हो गया शुभ तो सर का आंसर क्या है वो खुद ही है, जब के जीरो हो गया तो उसका आंसर खुद ही, तो दिस इज द बेस केस शुभ। एंड आप जब कॉल करें आप इसका मैक्सिमम लेके इसका आंसर स्टोर निकाल सकते हैं, ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं ऊपर ऊपर। वैसे ये ओवरऑल आपको समझ में आगे स्ट्रक्चर कैसा है, एंड दिस इज कॉल्ड रिकर्शन बाय पीएमआई। एंड आप देख सकते हैं कि सेम कॉल बहुत सारे होने वाले आगे, इधर मैं कॉल के ये कॉल इधर फिर मैं करूंगा स्टेप का, तो वो आपका हो जाएगा डीपी, सेम सेम कॉल हो रहे हैं। एंड ये 3D DP शिप क्यों बन रहा है, बिकॉज आप देख सकते हैं शिप कितना इंडेक्स चेंज हो रहा है हर बार, 0, 1, 2 तीनों इंडेक्स हर बार चेंज हो रहा है, एक मैट्रिक्स है वो भी चेंज हो रहा है, के भी चेंज हो रहा है, तो इससे हो गया ये 3D DP राइट। इसको देख के लोगों से डर लगता है गाइस, पर अगर आप इसको रिकर्शन से लिखोगे तो आप आराम से लिख दोगे, इट्स नॉट अ बिग डील पक्का। अब अगर थोड़ा सा रिकर्शन बैक ट्रैकिंग है, बेसिकली बैक ट्रैकिंग यूज हो रहा है बिकॉज बैक ट्रैकिंग यूज नहीं रहा, वो कंसेप्ट यूज हो रहा है बिकॉज आप इसमें वैलिड है कि इंडेक्स वगैरह चेक करना पड़ा है, जो हमने बैक ट्रैकिंग में बहुत सारा ऐसा किया था। तो अगर आप थोड़ा सा भी लिखे तो आप उसको आराम से कोड लिख दो, रिकर्सिव वाला आप लेकिन उनको बताइए। बट अभी हैवी डिमांड आएगा लोग डीपी का कोड के, भैया 3D DP का कोड डीपी वैसे आप कैसे लिखेंगे, तो अगर आप रिकर्शन लिख पा रहे हो खुद से तो आप डीपी में कन्वर्ट करना हम सिखाएं, चार स्टेप में कन्वर्ट करना होता है, तो आप आराम से देख के कर सकते हो। अगर मैं बताऊं तो शुभ क्या बताना है आपको, डीपी बताना पड़ेगा, 3D DP इनिशियलाइज करना पड़ेगा, डीपी इनिशियलाइज करना पड़ेगा आपको। बेस केस आपको पता है क्या है भाई, के जीरो है तो उसका आंसर आपको पता है, तो उसका आंसर वही सर का आंसर खुद ही सर हो जाएगा, तो 3D DP हो जाएगा इनिशियल, एंड उसका आंसर आप खुद ही खुद इनिशियलाइज कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ डीपी बनेगा। मान लो आपका ये होगा शुभ एन क्रॉस तो अगर एन क्रॉस एन में एंड में हर एक में के रहेगा राइट, के 0, 1, 2 जितना भी है, के 0, 1, 2 के का मतलब 2 है तो 0, 1, 2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग के 0, 1, 2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग के 0, 1, 2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग के 0, 1, 2 तो हर एक के आप कर सकते हैं। एंड इसका ये आंसर तो आपको पता ही है, के 0 के लिए इसका आंसर इस सेल का जो वैल्यू है वो खुद इसका आंसर होगा राइट, आंसर वही खुद होगा, तो ये आप राइट इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, यू कैन नाउ ये सब आपको निकालना डीपी है आपको राइट। तो 3D DP का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया राइट, हर एक सेल रहेगा, हर एक सेल के अंदर के सेल रहने वाला है फॉर दैट कॉरस्पॉन्डिंग आंसर, एंड जिसका जीरो आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। तो फिर वही स्टेप होता है, इनिशियलाइज बेस केस इनिशियलाइजेशन, उसके बाद डीपी कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन तो वही है भाई, आप इधर अगर हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप हर एक सेल का इस सेल का आंसर दे सकते हो राइट, दैट इज डीपी कन्वर्जन। एंड लास्ट स्टेप है उसको फिलअप करना, जो कि आप कर सकते हो, इसका अगर हमको समझाने का जरूरत नहीं, इधर से आप एकदम परफेक्ट रिवेट कर पा रहे हैं, एक बार कोड पे चलते हैं बेटर समझ पाएंगे ठीक है। एंड इस सब का डिटेल में शिप बहुत बात की अपने है ना डीपी में, इसे एकदम सिंगल टिप से आपका आ जाएगा फिगर ऑन वीडियोस है यस, इधर रटाई थी हम सोचे वो दी, तो या एको देखते हैं शिप थोड़ा कोड बड़ा हो रहा है बिकॉज़ 3D DP शिप पे 3 लूप पे आपका ऐसे ही आ गया ठीक है। तो पहले तो शिप फर्स्ट स्टेप क्या किया हमें, डीपी इनिशियलाइज किया राइट, डीपी देखो 3D ऐसे इनिशियलाइज करते वेक्टर 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 फिर डीपी का साइज हो जाएगा आपका भाई मैट्रिक्स का साइज इनटू मैट्रिक्स का हर एक कॉलम का साइज इनटू के राइट, एंड के शिप आपको क्या दिया हुआ है के, इसमें ए दिया हुआ है के का वैल्यू बेसिकली, तो हो जाएगा ए प्लस वन, अगर के टू है तो शिप आपको 3 सेल चाहिए राइट, एक में जीरो थी और वन में थी ठीक है, और सबको इनिशियलाइज कर दिया विद जीरो इनिशियली ठीक है। और इधर आया शिप मैं इटरेट कर रहा हूँ 3D DP तो पहले इटरेट करूंगा के पे, क्योंकि आपको पहले के इटरेट मतलब अगर आप 1,1 सेल पे है मान लो तो आपको क्या चाहिएगा शिप 0,1 का 0 डिस्टेंस चाहिएगा, अगर आपको 1 डिस्टेंस निकालना है 1,1 से, तो अगर आप एक सेल पे हो तो आपको उससे कॉरस्पॉन्डिंग 4 सेल का k माइनस 1 डिस्टेंस चाहिए, तो k माइनस 1 आंसर होना चाहिए, तो मैं k में ट्रीट कर रहा हूँ राइट, k का आंसर आपको होना चाहिए। एंड आप उसका आप हर एक सेल पे जाइए उसका कॉरस्पॉन्डिंग k निकालिए k माइनस 1 का, अगर आपको आंसर पता है तो अगर k 0 है तो शुरू आपका बेस केस है, k 0 तो आपको बेस केस है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई DPIJ के जो उस सेल का वैल्यू है BIJ उसका जो वैल्यू है वही इसका आंसर हो जाएगा। k 0 नहीं है शुरू तो आपको क्या करना है, बस वही स्टेप है, एक तो आंसर कम से कम उस सेल का वैल्यू मतलब उस सर का जो वैल्यू खुद है K-1 वो तो होगा ही, मैं बताया था अगर आप इस सर पे हो तो इससे आंसर कम से कम ये सर तो होगा ही प्लस इसके 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 K-1 आंसर लेना पड़ेगा, जो इसका आंसर था ये तो रहेगा ही या और इसके इसके इसका मैक्सिमम करना पड़ेगा, मैं 5-2 लिखा था इस वजह हम देख सकते हो जो है वो तो रहेगा कम से कम K-1 डिस्टेंस प्लस। अब देखो क्या इसके ऊपर जाना वैलिड है, ऊपर जाना अगर वैलिड है, अगर ऊपर जाना वैलिड हुआ भाई तो आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कमा डीपी ऑफ I-1 जे और K-1 डिस्टेंस लेना पड़ेगा ऊपर के सेल से K-1 डिस्टेंस, तो वही इशू इधर से या तो इधर से ले सकते हो कहां से नीचे से, तो I+1 वैलिड है तो I+1 जे K-1 डिस्टेंस, या तो राइट से ले सकते हो
मतलब हर एक क्योंकि इसमें सिर्फ ये तो 3D DP था ना आपको, बट आपका आंसर में रिटर्न करना है 2D DP, सिर्फ के डिस्टेंस होना चाहिए। तो बस ऊपर सेग्रीगेट कर दिया मैंने, देखिए आंसर ऑफ IJ इक्वल टू DP ऑफ IJ कॉमा के, तो IJ के पास अपनी के डिस्टेंस है, ए है के, तो वो आपका हर जगह स्टोर कर दिया एंड रिटर्न कर दिया आंसर, सिंपल। ठीक है क्लियर, दिस वाज द एंटायर थिंग शिव, एंड आई थिंक ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन। 3D DP था, बट उतना टफ नहीं, अगर आप थोड़ा कोई बेसिक्स में जाकर एनालाइज करें तो। हालांकि है 3D DP, कोई कोड लेके डर जाएगा एक बार, बट उतना टफ नहीं है। ठीक है, तो अगर गाइस ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, सपोर्ट कीजिए हम लोग को, शेयर कीजिए प्लीज अगर आपको लग रहा है कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। एंड शुभ सर कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, शुभ 3D DP है, शुभ ये है के तक जा रहा है, राइट ये के तक जा रहा है एंड ये दोनों एन तक जाएगा वर्स्ट केस में, तो एन स्क्वायर के, ये यू के तक जा रहा है शुभ, राइट ये यू के तक जा रहा है एंड ये दोनों एन तक जाएगा, तो शुभ एन स्क्वायर के वो एक्सपेक्टेड भी है, राइट एन इंटू के ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द चैलेंज। जय।